देखिए, अलग अलग जो चैनल्स के थ्रू जो बात चल रही है, वो किसी नाम तो किसी का साझा नहीं किया जा सकता, तो देखते हैं मीटिंग के बाद में क्या सकारात्मक सरकार की तरफ से कोई विचार हमारी मांगों पे किया जाता है या नहीं किया जाता, यह तो बाद की बात है। हमने जो हमारी 16 मांगे जो रखी है उन मांगों को लेकर हम लोग अडिग है और पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग प्रिपरेशन हमारी थी। 17 तारीख को जैसा कि हमने विधानसभा घेराव की कॉल पहले भी दे रखी है और अभी आगे देखते हैं, सुनिश्चित करना कर पाना तो मुश्किल है कि क्या सकारात्मक सरकार का रवैया रहेगा या ढुलमुल रवैये से सरकार बात करना चाहती है। सर, सरकार की तरफ से जब बुलाव बुलाया गया तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया, कुछ लीनियंसी दिखाई की जाने की कोशिश लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं शायद बात बने सरकार की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन आपकी मांग मानने की बात, जो मुख्य ई टेंडर था जो 24 राइट्स अकॉर्डिंग टू पंचायती राज, ये जो 29 अधिकारों की बात थी जो पंचायती राज अधिनियम के तहत हमें 29 अधिकार जो हम लोग मांग कर रहे हैं, निरंतर मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी जब पिछली बार जब मुख्यमंत्री महोदय से हमारी जब मीटिंग थी तो हमने उनको पहले बताने का काम किया, क्योंकि वो उन्होंने पहले मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछा था, मैं उनसे पूछने का काम करूँगा कि ई टेंडरिंग में खामियाँ क्या है। तो हमने बताने का काम किया जो HSR के रेट है, जो थ्रो टेंडर पर ठेकेदार को काम दिया जाता है उन रेटों में, और जो पंचायतें DC रेट पे काम करती है उनके अंदर दिन रात का फर्क है, क्योंकि HSR का रेट ठेकेदारों के लिए पहले ही 200 गुना फालतू दे रखा है। मैंने उनको बताने का काम किया HSR 17.692 में जो इंटरलॉक ईंट की जो सड़क बनती है उसमें 35 इंटरलॉक टाइल्स का लगाने का ठेकेदार का रेट 589 रुपये है, और जो उसी तर्ज पर जो सरपंचों का रेट है वो 396 रुपये में काम करता है 35 इंटरलॉक के अंदर। आपको रुख दिखाया है नर्मी का कि जो आपकी पिछली मांगे थी सर वहीं पर सुई? हमने तो 17 तारीख का विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम दिया था, उससे पहले सरकार की तरफ से कॉल है तभी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी तरफ से ये कॉल नहीं थी, ये सरकार की तरफ से कॉल है, और सरकार की तरफ से कॉल है तो देखते हैं क्या सकारात्मक रवैया इनका रहता है। तो ये भी है कि लोग जो 25 सदस्य आपकी जो कमेटी है उसके लोग भी एकजुट नहीं है, उनमें भी आपस में नहीं, अभी अब आपके सामने जो मीटिंग होगी उसमें आपको दिखाई दिया जाएगा सरकार की तरफ से, मतलब हर एक तरीके से तोड़ने का काम किया जाता है, खदेड़ने का काम किया जाता है, परंतु हमारी एसोसिएशन अभी तक मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। पिछली जो शर्तें जो सरकार ने रखी थी पिछली मीटिंग के दौरान जो बातचीत निकल करके सामने आई थी, उन शर्तों पर आप तैयार हैं? नहीं, उन शर्तों पे हम लोग तैयार नहीं है। उन शर्तों पे मतलब जो पीछे था मैं बता देना चाह रहा हूँ, पीछे जो हम लोग जो ई टेंडरिंग को बंद करने के लिए जो 29 अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि हमने उनको बताया कि HSR के रेट और जो सरपंचों के जो रेट है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग आपकी 5 लाख रुपये तक की पावर कर देते हैं, और 10 लाख रुपये से नीचे का जो काम है अगर कोई ठेकेदार 20% माइनस में लेता है और आप सरपंच लिख के देता है कि 5% माइनस हम इससे 5% रोड सस्ता करने में करेंगे तो आप लोग 10 लाख से नीचे तक का वो 5% कम लिख के दे सकते हो, परंतु उस चीज़ पे हमारी सहमति नहीं बनी, क्योंकि हम लोग तो ऐसी ही दो ऐसी ही पांच हम लोग तो हमारी जो पूर्ण अधिकार की बात थी उस पे मांग कर रहे थे। हमने मुख्यमंत्री महोदय से ये मतलब रिक्वेस्ट भी की थी कि आप पैरेलल सरपंच को चला के देखिए, पैरेलल ठेकेदार को चला के देखिए, आपको पता चल जाएगा गांव के मतलब जो विकास के लिए कौन कितना आश्वत है और कौन कितने मतलब जिम्मेवारी से काम करता है इन दिनों इन चीज़ों में। पूर्ण अधिकारों के अलावा कोई और चीज़ मान्य नहीं होगी आपकी? मतलब ये जो 16 मांगों का आपको पहले भी मीडिया बंद मांगों पर ही सहमति बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं? 16 मांगे जो मांग है उन्हीं पर सहमति की बात रहेगी, इसके अलावा कोई और डिमांड नहीं? और कोई नई डिमांड नहीं है 16 मांगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।